ये आप सूरत हाल देख रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? तालब साहब। क्या हाल है? शुक्रिया अल्लाह का। तो ये पीने का पानी गंदा है यहाँ से हर जगह? हाँ जी। पीने का पानी साफ है? हाँ नहीं, गंदा है। ये भी सुनो ना भाई जान, आपके साथ आशरत है, जो हर शह को महंगाई हो गई, मजदूर का क्या कसूर है? मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ती? आप चे दुकान पर जाते शह लैन, उधर से 5 रुपए की शह ते 10 रुपए की मिलती। लाके दी गल कर, तेरा लाके दे गटर नहीं है। नहीं बनने मजदूरी दी ते गल कर लिए, पता नहीं ये ए भी गल जानी अगे या नहीं जानी। मामा लाके दी गल कर, गाल नहीं कटनी। इस इलाके के अंदर तकरीबन जो है ना, ये शदरे का तकरीबन ही गटरों का पानी आ रहा है। हम पी रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, ठीक है। हमारे गलियों के साथ ये सीवरेज इतनी के बंद है कि बंदा कोई नमाजी जो है ना, इधर से पढ़ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। ना इधर का चेयरमैन बात सुनता है, ना इधर का कोई एमएनए बात सुनता है। बच्चों, ईद पे क्या करते हैं आप लोग? यही गंद होता है, पानी बू वाला होता है और गंदा पानी इसी तरह। तो ईद के कपड़े तो गंदे हो जाते होंगे। ये पानी पकड़ा हुआ ना तूने, इसको पी के चेक करो क्या है। सारी सेल आ रही है, आवाज आ रही है, बच्चा को बीमार हो जाए, कोई डॉक्टर दवाई नहीं देता सानू, कहना स्मेल अपनी मकाओ, पानी की गंदगी मकाओ, कोई साड़ी सुनना नहीं। इधर सरकार पानी नहीं दे रही सानू, गंदा पानी पी रहे हैं असि। नैस्ले का पानी पीते ने तो सानू है गंदा पानी, उन्होंने ये नैस्ले का पानी, ये पानी पियाया जाए तो कभी भी नहीं पीन गए। इस इलाके के कैमरा कैमरामैन दिखाओ जरा, उन्होंने की हाल होया, कहीं नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। लेडीज भी हैं जी हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। ये सूरत हाल आपके सामने है, और इस सारी सूरत हाल में बेशुमार बच्चों के होते हुए यहाँ फौरी तौर पर इसका ना सिर्फ नोटिस लेना चाहिए, बल्कि ये जो बदबू वाला पानी लोग पीते हैं, यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट्स इनको लगा के देने चाहिए ताकि साफ सुथरा पानी। बड़ा भैड़ा हाल है इस इलाके का, ना कोई इतने कोई इमरान खान तस्वीर असी कर रहे हैं, इतने इलाके का बहुत भैड़ा हाल है, ना कोई तब्दीली कभी इतने हैगी है, ये उतर जाए वो चंगा। तब्दीली आ गई, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, कड़ा गरीबों का इन्होंने काम किया, तो होर तुन्नी जाते गरीबा तुनदे पिया चंगी तरह। इमरान खान कोई होश कर। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं यहाँ की, आप कह रहे थे कि यहाँ बच्चों की तालीम फिर इफेक्ट होती है। परफेक्ट भी नहीं है, और इधर से हम गुजर के स्टडी के दौरान भी स्कूल भी नहीं जा सकते, कॉलेजेस में जाते हैं तो यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है हमारा, ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज जो है कि कपड़े हमारे क्या कह रहे हैं के लिए पीछे गए, सोदी सूरत हाल देखो जाके, वो भी गंदा पानी पी रहे हैं। हमें इधर आओ, इधर देखो यहाँ जी पानी की सूरत हाल। एक और घर आपको दिखाते हैं, जिस भी घर में आपने देखा यहाँ आपको सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये बेटा इसमें भर के लाओ, बोतल में, इस बोतल में भर के लाओ पानी, इसमें लाओ। ये बाल्टी आप भर के लाए हो, दिखाओ मुझे। ये बाल्टी भर के लाए हैं जी, गहरा पानी है, पुल बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते। क्या वजह? रिवाज नहीं पढ़ाने का इधर इस इलाके में? नहीं क्यों, क्या वजह? कोई नहीं, इनको अपना कारोबार दिया हुआ है, अपनी अपनी खोता रेड़ियां दी हुई हैं, वो उधर जाते हैं बस काम। कारोबार जाते हैं मशीन में, सीख सकते हैं। पानी बहुत गंदा होता है, हमारे बड़े जो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, गंदे पानी के छिटे हैं। कह रहे हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, गंदगी दिखाई है इधर, दिखाइए जी सारी दिखाई। जकात साहब, ये किस तरह जीते हैं लोग, क्या कर रहे हैं ये? और ये तो पीने वाला पानी सारा बदबू वाला है। फहद भाई, आज आप जिस इलाके का विजिट कर रहे हैं, ये एक अजूबा है कि यहाँ पर लोग जिंदा हैं, ना इधर बच्चों के लिए कोई स्कूल मौजूद है प्रॉपर, ना इधर पीने का साफ पानी है, ना कोई ट्यूबवेल है, ना फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये लोग जिंदा है, यही गनीमत है। यहाँ पे आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब का हुकूमत में आने से पहले ये नारा था कि जनाब 2.5 करोड़ बच्चा जो ना वो स्कूलों से बाहर है। अगर इसी इलाके का सर्वे कर लिया जाए तो तकरीबन यहाँ के 90 से 95% बच्चे स्कूल नहीं जाते, और सारे दिन इसी गलाजत में खेल के ये बड़े हो रहे हैं। और ये लोग, ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये हमारे मुआशरे के लिए किसी दिन कोई फ़ायदा मंद इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि ये नसूर बन रहे हैं। यहाँ पे क्राइम रेशो जो है ना, वो दूसरे इलाकों से बहुत ज़्यादा है। अगर आप
किसी वक्त भी इस इलाके को चेक कर ले तो यहाँ पे क्राइम रेशियो दूसरे इलाकों से बहुत ज्यादा है, और उसकी असल वजह जो है इनकी जो नशोनुमा है हम उस तरह से नहीं कर रहे। बच्चे बताते हैं आप लोग कि हमारे घरों में पानी गंदा आता है? आपने दूसरे क्लास फेलोज को बताते हैं आप? यस। आपके टीचर्स को भी पता है कि आपके इलाके में पानी पीने के लिए गंदा है? यस पता है। आपने भी बताया? साडे स्कूल विच भी गंदा पानी आंदा है। किस जगह स्कूल है आपका? पठे दे ताड़गढ़। पानी एक गंदगी का बहुत बड़ा तूफान है जिधर ये स्कूल है ना, तीन चारों तरफ जोहड़ है पानी के जहाँ पे ये स्कूल है। और हम मेरा ख्याल इसको एक दो मरतबा बनाम तख्ते लाहौर में कर चुके हैं उस इलाके को, वहाँ पे मेन होलों के ऊपर ढक्कन नहीं है और स्कूल है, और बच्चे छोटे छोटे जाते हैं और कई मरतबा बच्चे गिर के होलों में जख्मी भी होते हैं। ये सूरत हाल है इस इलाके की। और अरबाब विजिट करो नाल दी साइड ते, तुहानू खुद ब खुद पता लग जाएगा, कि तुहानू के की पोजीशन है की नहीं। बिजली दी तारां बिल्कुल नाल लगियां पईआं ने, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪ? ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਬਹੁਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਬਸ। इधर मुझे बताएं पानी आपके घर में साफ है? गंदा। बदबू वाला पानी? तो कहाँ से पीते हैं फिर? हम गंदा ही पीते हैं। गंदा ही पीते हैं? व्हील से भर के लाते हैं। व्हील से भर के लाते हैं। और बाहर भी हालात कैसे स्कूल जाते हैं गुजरते हुए, मसला नहीं होता कीचड़ में से? होता। ये कोई एक दास्तान नहीं है जी, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से जितने भी लोग हैं वो सारी की सारी दास्तानें आपके सामने हैं। और गंदे और गलीज पानी में लोगों के हालात, यहाँ के मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय तनजली का शिकार है, और इनकी तालीम, इनका मुस्तकबिल सारा कुछ दाव पे लगा हुआ है। और इन हालात में जब घरों के अंदर पीने वाला पानी गंदा हो और गटरों में से उसकी सीवरेज जो है वो पाइपलाइन इकट्ठे हो चुके हों, और आप नल खोल भी दें पानी भरने के लिए, वो बदबू दे गुसल करने के लिए भी माफिक ना रहा हो, तो फिर वहाँ ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। और सबसे बढ़कर जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नई यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, तो उनकी यूनिफॉर्म भी इस कीचड़ में, इस गंद में, इस गलाजत में ख़राबी का शिकार होती है। इस दुआ के साथ कि शायद इनके हालात बदलें और शाहदरा के आवाम जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, और जितने भी अफराद यहाँ इनके अरबाब हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो ना सिर्फ इसका नोटिस लें बल्कि इनको साफ़ सुथरा पानी भी मुहैया करें, इनके फिल्ट्रेशन प्लांट भी नसब करें, और गलियों में जो सीवरेज के मसाइल हैं, जो गटरों के मसाइल हैं, उनको भी हल करना चाहिए। इस दुआ के साथ कि ये सारे पाकिस्तानी और लाहौर के बासी और शाहदरा के बासी जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा मुस्तकबिल पाएँ और मुल्क का नाम भी रोशन करें। फ़ाद शहबाज़ ख़ान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।